बाइक सवार दंपत्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, महिला की मौत। आक्रोशित लोगों के साथ महिलाओं ने बसई नवाब चौराहे पर लगाया जाम। धौलपुर विधायक सुवरानी कुशवाहा पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद खोला जाम। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में सकवारा के निकट शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बाइक ने सवार दंपत्ति को रौंद दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से लेकर भाग खड़ा हुआ। सूचना मिलते ही सीओ विजय कुमार तथा कोलारी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह और सकवारा चौकी प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा पुलिस जाप्ता के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी लेते हुए मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर बसई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचाया तथा हादसे के दौरान घायल हुए युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया। महिला की मौत की खबर पाकर ग्रामीणों ने आक्रोशित होते हुए बसई नवाब चौराहे पर जाम लगा दिया और महिलाएं भी सड़क पर बैठ गईं। इस दौरान आक्रोशित लोग जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। करीब डेढ़ घंटे की कसमकस के बाद धौलपुर विधायक सुवरानी कुशवाहा मौके पर पहुंची, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों से वार्ता की। साथ ही मृतक महिला के पति से भी कुशलक्षेम पूछते हुए पत्नी की मौत पर ढांढस बंधाया। विधायक सुवरानी कुशवाहा तथा सीओ विजय कुमार के लगातार समझाइश के चलते लोगों में सहमति बनी और जाम खुलवाया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह मालौनी खुर्द गांव निवासी कैलाशी कुशवाहा बाइक पर सवार होकर अपनी पत्नी के साथ ससुराल रमगढ़ा जा रहा था, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें उसकी पत्नी सुनीता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा वह घायल हो गया। इसके बाद लोगों ने आक्रोशित होकर जाम लगा दिया, जिसे विधायक सुवरानी कुशवाहा की समझाइश तथा पुलिस अधिकारियों के उचित आश्वासन के बाद खोला गया। इसके बाद पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया।